तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छ तुम। दुनिया में आज इस्लाम रिलीजन की काउंट कुछ इतनी है दोस्तों, और देखा जाए आजकल के हालातों को तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम वर्ल्ड पावर की ओर बढ़ता जा रहा है, और हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और बाकी सभी धर्म भी दुनिया में कुल इतना काउंट रखते हैं। तो दोस्तों इस्लाम वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुल इतनी जगह में आज इस्लाम आपको देखने को मिल जाएगा। आज जानेंगे कि इस रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या है इतिहास इस्लाम धर्म का। तो दोस्तों सऊदी अरब में एक जगह मक्का, जहां एक कबीला था कुरैश कबीला, उस कबीले में एक जोड़ा रहता था अब्दुल्ला और अमीना नाम का, जिनकी एक औलाद हुई 570 एडी में, जिसका नाम था अल अमीन। इस कबीले के लोग मूर्ति बनाने का काम करते थे दोस्तों, और यही वो अल अमीन है जो कि बाद में जाके इस्लाम के फाउंडर बने थे। अब बात करें कुछ सालों आगे की, तो 607 एडी में अल अमीन ने एक मर्चेंट के यहाँ मदीना में जॉब करी थी, और 607 एडी तक तो अल अमीन का इस्लाम से कुछ लेना देना भी नहीं था, और बाद में जाकर यही कहलाने लगे प्रॉफेट मोहम्मद। इन्होंने एक ट्रेडर की विडो से भी शादी करी थी जिनका नाम था खलीफा। तो चलिए जानते हैं कि अल अमीन कैसे बने प्रॉफेट मोहम्मद, क्या रहा इनका सफ़र। तो हुआ ये कि अल अमीन ने हीरा नाम की पहाड़ी में एक तरह से तपस्या शुरू करी, जहां इनको 607 एडी में जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि एनलाइटमेंट हुआ। लगभग पैदा होने के 40 वर्ष बाद ये ज्ञान इनको एंजल गैब्रियल ने दिया था। यहाँ एंजल गैब्रियल से ज्ञान लेने के बाद ये खुद को बताते हैं नबी और रसूल, जहाँ नबी का मतलब होता है पैगंबर और रसूल का मतलब होता है ईश्वर का दूत। और इन्होंने बताया कि 24 लाख पैगंबर उनको मिलाकर अभी तक आ चुके हैं, और वो आखिरी पैगंबर है। तो इनके बाद आए सभी धार्मिक गुरु को खलीफा कहा जाता है, क्योंकि अल अमीन ही आखिरी पैगंबर रहे थे, और उसके बाद के जितने भी धर्म गुरु रहे इस्लाम के अंदर वो सारे कहलाए जाते हैं खलीफा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रॉफेट मोहम्मद मक्का में अपने ज्ञान को शेयर करने लगे, लेकिन हुआ ये कि प्रॉफेट मोहम्मद का मानना था कि ऊपर वाला निराकार है, और प्रॉफेट मोहम्मद मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे। पर जैसा कि आप जानते हैं, जो इनका खुद का कबीला था वो मूर्ति बनाने वालों का था, और इसी वजह से इनका कबीला भी सहमत नहीं हो पाया इस बात से। तो वहाँ से इनको 12 साल बाद 622 एडी में मदीना के लिए निकलना पड़ा, और इस मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। और इस यात्रा की शुरुआत से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। दोस्तों अब तक हमने जाना कि कौन थे प्रॉफेट मोहम्मद, हिजरत यात्रा किसे कहते हैं, और सबसे पहले वो कहाँ पे अपने धर्म को, अपने लर्निंग्स को, टीचिंग्स को शेयर करने गए थे। अब जानते हैं इस्लाम के कुछ कानून। जो व्यक्ति इस्लाम के कानूनों को जानता हो उसे तुलेमा वर्ग कहते हैं, और इस्लाम का कानून चलता है इन चार किताबों से, जिसमें सबसे पहले आती है कुरान, जिसमें पैगंबर का ज्ञान मौजूद है। दूसरे है हदीस, जिसमें पैगंबर के काम का वर्णन है। और तीसरा है इजमा, जिसमें कुरान और हदीस को पढ़ने का तरीका बताया गया है। और चौथा हुआ है कयास, इसमें भी सेम वही बताया गया है, कुरान और हदीस को पढ़ने का तरीका। तो वहाँ से वापस आने के बाद कुछ 7 सालों बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स वापस मक्का आ जाते हैं। तो हिजरत यात्रा के बाद मदीना से तकरीबन 7 सालों बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स वापस मक्का आते हैं, और इस बार उनकी बात हर कोई मानने लग जाता है। और 8 जून 632 में मोहम्मद की डेथ हो जाती है। प्रॉफेट मोहम्मद के जाने के बाद उनके बाद के सक्सेसर को खलीफा कहते हैं, और यह पॉलिटिकल हेड होता है इस्लाम का। कुरान के अनुसार टोटल 4 खलीफे रहे हैं, अबू बकर जो कि मोहम्मद के ससुर थे, उमर जो कि मोहम्मद के दूसरी बीवी के पिता थे, उस्मान जो कि मोहम्मद के सन इन लॉ थे, और अली जो मोहम्मद के कज़न थे और सन इन लॉ भी थे, और ये लास्ट खलीफे थे। मिडल ईस्ट, सीरिया, पैलेस्टीन, ईरान, इराक, उस समय यहाँ तक खलीफों का राज फैल गया था, और इस्लाम यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी फैल गया था। आगे चलकर ओटोमन एम्पायर, जिसे आज के टाइम हम टर्की कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई, और उनके हेड को भी खलीफा कहा जाता था। यह खलीफा सिस्टम ऑटोमन के साथ वर्ल्ड वॉर वन में ही खत्म हो गया। 1920 में भारत के मुसलमानों द्वारा भी इसका विरोध किया गया, जिसे खलीफत आंदोलन कहा जाता है। एक बात और है दोस्तों कि टोटल मुस्लिम में 90% लोग सुन्नी होते हैं और 10% शिया। तो ये भी साथ में जान लेते हैं कि आखिर सुन्नी कौन होते हैं और शिया कौन होते हैं। सुन्नी वो हैं जो 4 खलीफों को एक्सेप्ट करते हैं,
एज ए ट्रू सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और शिया वो होते हैं जो सिर्फ अली को मानते हैं, वो इन चारों में बिलीव नहीं रखते, सिर्फ अली को ही यानी कि लास्ट खलीफे को ही प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर मानते हैं। कुछ बातें जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती दोस्तों। सबसे पहली पॉइंट, मोहम्मद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो कुरान उन्होंने नहीं उनके फॉलोअर्स ने लिखी है, ना कि मोहम्मद ने, और जिसे अरबी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद इस्लाम को बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद मिली मुगल द्वारा। खैर, उन पर भी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे दोस्तों, और आपको वो जल्दी चैनल पे मिल जाएगी। आज की नॉर्मल बातचीत में हमें जानने को मिला कि इस्लाम की शुरुआत हुई कैसे, इस्लाम को चलाने का स्ट्रक्चर क्या था, और इस्लाम इतना कैसे बढ़ गया। आगे चलकर आपको इससे रिलेटेड दो टॉपिक भी मिल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि गैब्रियल का रोल तीन और धर्मों में बताया गया है, और ये तीनों धर्म में हिंदू धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक, मुगल एम्पायर का उदय दुनिया में और भारत में कैसे रहा और क्या क्या उसमें गतिविधियाँ हुई। यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।